अपने सामाजिक प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान रेवदंडा के सौजन्य से महापे MIDC श्री हनुमानगढ़ में थाने वन विभाग की भूमि पर वृक्षारोपण और वृक्ष संवर्धन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर उपस्थित थे पूर्व सांसद संजीव नाइक। इस दौरान संजीव नाइक ने पौधारोपण कर सभी को पर्यावरण के संवर्धन का संदेश दिया। वहीं उपस्थित अन्य मान्यवरों ने भी वृक्षारोपण कर अपने सामाजिक दायित्वों को निभाया, जहां उनके साथ श्री हनुमानगढ़ महाधिपति श्यामदास जी महाराज, पूर्व नगर सेवक चंद्रकांत पाटिल, पूर्व नगर सेवक शिवराम पाटिल, युवा नेता निशांत भगत, नवी मुंबई महानगर पालिका स्वच्छता अधिकारी राजू सिंह चौहान, नवी मुंबई महानगर पालिका कोबखैरने विभाग स्वच्छता निरीक्षक दीपक शिंदे, स्वच्छता निरीक्षक रविंद्र चौहान, वन विभाग के वन रक्षक अधिकारी देवरे, वनपाल ठाकरे, डॉक्टर नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के सदस्य मौजूद थे। बता दें कि नवी मुंबई विभाग में तकरीबन 2743 स्वयं सेवकों के माध्यम से भरे बरसात में एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए इस अभियान को गति दी गई, जिसमें लोक प्रतिनिधियों ने शामिल होकर इस उपक्रम को सफल बना दिया। इतना ही नहीं, नियोजनबद्ध तरीके से आयोजित इस उपक्रम को लेकर संजीव नाइक ने प्रतिष्ठान को शुभकामनाएं देते हुए उनके सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए समाज के हित की दिशा में उठाए गए उनके कदम को उल्लेखनीय बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क।